भाई गोरे लोग भी हैं, चार मीनार देख लो भाई। ये है भाई सलार जंग म्यूजियम, जो मेरे पापा मतलब पापा ही बोल रहे थे इस म्यूजियम में होके आओ, क्योंकि हमारे आ गई भाई चार मीनारे देख सकते हो। आज भाई बारिश का मौसम है, मौसम देखो, ओ बाप रे, ये देखो भाई सुबह 5-6 4-5 बजे से भाई बारिश हो रही। आई थिंक अब इधर का टेम्परेचर है 20-21, हल्की हल्की ठंड हो गई है, देख लो। चलो आज का मौसम भाई बहुत टाइट है, बारिश हो ही रही है। बाबू जी आएंगे अभी यार, उनके ही साथ जाएंगे बाइक से, देख लो भाई चार चार लोग जा रहे हैं। आज बाल में भाई शैम्पू किया है तो भाई बाल थोड़े सिल्की टाइप के हो गए हैं। तो आज ये क्वेश्चन भाई ये है कि यस और नो में आंसर देना है। क्वेश्चन है कि एक पति अपनी विधवा बीवी की बहन से शादी कर सकता है या नहीं, तो भाई कमेंट में आंसर बताओ अपने अपने। भाई बाबू भैया आ गए हैं यार, पहले तो ड्रामा करता नहीं आएंगे लेकिन आ गए हैं। देखो भाई एक चीज़ दिखाऊं, देखो भाई इंसान से अच्छी तो ज़िंदगी भाई कुत्तों की है। देखो वो कुत्ता बैठा अंदर, बस ये गाड़ी पता कुत्ते घुमाने के लिए आई थी। भाई मौसम बहुत बेकार है आज, बहुत भाई तगड़ा मौसम है आज इधर का। हेलो भाई 18 डिग्री है सेल्सियस, बहुत बेकार है, कोई सस्पेंड नहीं करना है साले को। हाँ हमने हवेली बन गई मेरी हैदराबाद में, चार मीनार के पास 4-5 प्लॉट ले लिए, देख लो भाई। हाँ बाबू ये कुछ बोलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट ऑल ऑफ यू, लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब मत करो। ये साला कौन सा चलो चार मीनार चलते बाढ़ा हाँ अभी चलो चार मीनार चलो उसके बाद वो सारा था और ऑफिस में चले जाएंगे। चलो चलते अभी, मेरा देखो मूड अच्छा बना है, नहीं तो बाद में नहीं बोलना सलाह मेरे को, नहीं लेके आते नहीं है वो। हाँ ये देखो भाई रेंज रोवर, हम लोग जा रहे हैं आज घूमने भाई घूमने। तो भाई ये फार्चूनर देखो भाई कैसे बनवाए हैं भाई अपने, VIP नंबर 001। अभी साइड से दिखाते हैं, देखो भाई भाई बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है अपने लोगों ने। अब हम लोग जाएंगे घूमने के लिए भाई, आज पता नहीं बाबू भैया कैसे प्लान बन गया, हम बाबू भैया राजू भाई घूमने के लिए निकल चुके हैं आज ऑफिस में, बाइक खड़ी कर दी बाबू भैया के ऑफिस में, अब निकल रहे हैं। गाड़ी वगैरह खड़ी कर दी बाइक बाबू भैया के ऑफिस में, अब हम लोग निकले हैं घूमने के लिए। देखो मेट्रो में जाएंगे, मेट्रो या बस में, दोनों में से भाई एक में तो जाएंगे। उधर राजू भी चल रहा है अपना, बस का भाई पास बनवा लिया है और अपनी आ गई है बस, ये वाली देख सकते हो 300 रुपये लगा भाई, 100-100 रुपये लगा सबका पास बनवाने के लिए। चलिए बाबू भैया भाई कितनी लंबा पास है, 20 भाई पास क्या होता है, 100 रुपये का पास बनता है, 24 आवर्स भाई कहीं भी पूरे हैदराबाद में कहीं भी ढूंढो सरकारी बस में, कहीं भी किसी बस से उतरो किसी में चढ़ जाओ, किसी में उतरो किसी में चढ़ जाओ, ऐसा सिस्टम है। तो 3 पास बन गए 300 रुपये में हमारे बाबू भैया और राजू का, तो भाई कहीं भी घूमेंगे। तो भाई बहुत कोशिश करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं सलार जंग म्यूजियम, ये देख लो हम लोग बस में आ जाए हैं भाई, पास वास बनवा के सब रेडी करके। बाबू भैया कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, फर्स्ट क्या है हाँ बाइक में नहीं आ सके, अच्छा लग रहा है, चलो बस में हम सफर कर रहे हैं। तो भाई आ गया सलार जंग स्टेडियम, अरे सॉरी म्यूजियम पीछे है, दिखाते हैं चल के। तो एक चीज दिखाऊं, खेती देखो भाई, नारियल पत्ते, नारियल के पत्ते देखो भाई, नारियल पेड़ कितने लगे हैं बीच रास्ते में,
ये है भाई सलार जंग म्यूजियम, जो मेरे पापा मतलब पापा ही बोल रहे थे इस म्यूजियम में होके आओ, क्योंकि भाई इसी में एक घड़ी है जिसमें मतलब वो ना किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं, वो ऐसे ही टाइम बताती है। हाँ ऐसे ही है ना, घंटा है 12 का, 12 मतलब घंटा बजते हैं उसमें। पापा भाई यही म्यूजियम बता रहे, लेकिन क्या करें यार, फ्राइडे क्लोज रहता है और हम ये भाई क्या समझो, फ्राइडे ही को आए हम लोग, सिस्टम भाई गलत हो गया म्यूजियम में। चलो अब भाई इसके आगे चलते हैं चार मीनार, यहाँ पे और कभी आएंगे लोग। आई मीन चार मीनार मेरे पीछे देख सकते हो भाई, वो चार मीनार है, अभी और के पास जाके दिखाते हैं। इधर से शुरू होता है भाई, इतनी भीड़ रहती है चार मीनार में, किसी भी दिन जाओ भाई भीड़ तुम्हें ऐसी मिलेगी। ये अपने दोस्त लोग बाबू भैया राजू ये खड़े ही हैं, ये देख लो भाई चार मीनार। हैदराबाद शहर में आके चार मीनार नहीं देखे तो क्या देखे भाई, कुछ नहीं देखा अगर चार मीनार नहीं देखे। चार मीनार जाने के लिए भाई चारों तरफ रास्ता है भाई, चार रास्ता है चार मीनार जाने के लिए भाई। गोरे लोग भी हैं, चार मीनार देख लो भाई, जिसने नहीं देखी है तो भाई वो यहीं से दर्शन कर सकते हैं मेरे ब्लॉग की तरफ। ये देखो भाई गोरे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, गोरे लोग भी चार मीनार को देखने आते हैं। सिस्टम आएंगे भाई, जिससे चार मीनार भाई बताओ इसे क्यों कहा गया, क्योंकि भाई इसमें चार मीनार हैं। अभी ऊपर चल के और दिखाते हैं, देखो ये निजाम्स की सिटी है भाई, निजाम पहले के जो राजा थे ना इधर के, उनको निजाम बोलते थे, निजाम। और इसी के पास भाई मस्जिद है, एक ऊपर से दिखेगी वो मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखो भाई ये वही मस्जिद है जिसकी मैं बात कर रहा था, चार मीनार के पास यही मस्जिद है, देख लो। अभी मैं दिखाता हूँ इस मस्जिद में, मतलब बहुत से लोग बोलते हैं आओ देखो, ये फेमस मस्जिद है भाई। तो भाई फाइनली चार मीनार में आ गए हैं, और चार मीनार में भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मिलती ना हो, हर चीज़ मिलती है भाई चार मीनार में, A to Z। चाहे सिंगार का सामान लो, मेकअप का, या मतलब जूता चप्पल कुछ भी लो, XYZ सब मिलता है। और हमारे आ गई भाई चार मीनारे, देख सकते हो। आज पता नहीं बाबू भैया का मन कैसे बन गया भाई चार मीनार का, अभी ऊपर जाके दिखाते हैं और अच्छे व्यू दिखाते हैं ऊपर जाके। तो भाई सबसे अच्छी चीज़ पता क्या आ गई भाई, यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है सभी के लिए, इसीलिए भाई इतनी फोर्स लगी है इधर, बहुत फोर्स लगी है, क्योंकि कोई लफड़ा वगैरह ना हो जाए, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई ना हो जाए। मैंने मतलब इधर मंदिर तो होते ही हैं, बट पूजा है आज कोई किसी चीज़ की, तो आज वो पूजा हो रही है इधर। देख लो भाई चार मीनार नीचे भगवान जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, पूजा हो रही है। देख लो उधर मस्जिद है, इसीलिए भाई क्योंकि भाई कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इसलिए भाई इतनी फोर्स लगी है, वैसे इतनी फोर्स नहीं लगती है। देख लो भाई चार मीनार, भाई कितना बज रहा घड़ी में नहीं पता, पीली हो गई है यार, बहुत गंदी संदी हो गई, क्या करें। सबसे अच्छी चीज़ मुझे भाई यही लगी, मैं उस बार आया था तब भी भाई मैंने यही बताया था, भाई चार मीनार के पास देख लो भाई, चार मीनार के पास भाई हमारा मंदिर होना है, मतलब माता जी का मंदिर है, ये सबसे अच्छी चीज़ लगी। फिर उसके उधर भाई थोड़ी एक मस्जिद है, वो तो बहुत पुरानी मस्जिद है, और इतनी पुलिस लगी है आज यहाँ पर, इतनी फोर्स इसीलिए है क्योंकि भाई कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए हिंदू मुस्लिम में, क्योंकि हमारी जो माता जी हैं आज उनकी बहुत मतलब कोई संक्रांति वगैरह है, कुछ है कोई फेस्टिवल है हिंदुज़ में, तो उसके उसी लिए उनकी पूजा हो रही है, बहुत लंबी लंबी लाइन है भाई, इतने लोग मतलब पूजा करने के लिए आए हैं, इसलिए फोर्स लगी है। मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसका नाम है चार मीनार। आप भाई थोड़ी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ, ये भाई चार मीनार कंस्ट्रक्ट हुई थी 1591 में, और ये जो मीनार है ना इसकी, मतलब जो ये खम्भे जैसे तुम लोग दिखाई दे रहे, ये 48 मीटर हाइट है इनकी, हर एक खम्भे की 48 मीटर। पीछे भाई है अपने, क्या नाम है दादा? रोमी सिंह यहीं पर रहते हो? यहीं पर रहते। ओके थैंक यू ब्रो। तो 48 मीटर्स हाइट से उठ की, उसके बाद क्या है 426 साल पहले ये बना था 1591 में। हम ये जो चार मीनार के आर्किटेक्ट पता कौन है? मीर मोमिंग अस्तरवादी उन्होंने बनाया है, और ये हमारे दोस्त पता कहाँ के? यूपी हैं ये दोनों लोग, यूपी बलिया जिला। आपके सब्सक्राइबर, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं भाई, क्या नाम है आपका? सब्सक्राइब करो। करण कुमार। करण कुमार, इन आपका क्या नेम है? रोमी सिंह।
रोबी सिंह, ये लोग भाई यूपी, जब भाई अनजान शहर में यूपी का मिलता है ना तो दिल खुश हो जाता है यार अपने आप से, मतलब अच्छा लगता है यार कोई अपने शहर का मिल जाए, अपने राज्य का मिल जाए। पीछे भाई चार मीनार देख ही लो भाई कितनी लंबी है, अंदर नहीं जा पाए, अंदर ना जाने का भाई बात ये है कि चार मीनार में पहले भी आ चुका हूँ और ऊपर पहले भी जा चुका हूँ, तो नहीं जाना है, इससे अच्छा और कहीं हाईटेक सिटी चलेंगे हम लोग, ठीक है। और न, और अंदर ना जाने का भाई ये एक और है क्योंकि भाई 2 बजे खुलेगा अंदर जाने के लिए, क्योंकि आज शुक्रवार है, शुक्रवार भाई जुमा की रात होती है, तो 2 बजे से पहले नहीं खुलता है, क्योंकि मुसलमानों में जुमा की रात होती है तो भाई 2 बजे से पहले नहीं खुलता है। और थोड़े यार बाल थोड़े सिल्की हैं क्योंकि भाई मैं शैम्पू कर रहा हूँ 2-3 दिन से लगातार, इसलिए भाई सिल्की हो जा रहे हैं बाल, तभी थोड़ा लुक भाई अच्छा नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, लुक का क्या करना है, हमें तो आप लोगों को दिखाना है यार, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करानी और क्या भाई। अब चार मीनार को विदा कह दो, देख सकते हो भाई, और पीछे देख रहे हो ना हर चीज़ मिलती है भाई चार मीनार, हर चीज़ सस्ती मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है, देखो चार मीनार में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? चार मीनार बस ऐसे ही देखने का नायक है, हैदराबाद आओ तो चार मीनार देखो। हाँ भाई चार मीनार देखो, लेकिन क्या है जो आपने को क्या है, आप चार मीनार हैदराबाद को यार है तो विजिट करो पहले यादगिरी कोटा पहले विजिट करो, वो भाई मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप देखो चार मीनार में भाई कुछ नहीं है, चार मीनार में भाई खूम दिखता है, चार खम्बा है और कुछ, और लोग बहुत लोग हैं अच्छे, बस लोग देखने के लिए आओ तो भाई चार मीनार आओ भाई। इतना रुपए खर्च कर रहे हैं हम, इतना रुपए खर्च कर रहे हैं, इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं भाई, अपना जॉब छोड़ के आ रहा है यार, जॉब नहीं जाता है मेरे लिए, तो भाई लाइक कमेंट शेयर तो यार बनता है यार, एक बार लाइक कमेंट शेयर कर लो, सब लोग सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो सब्सक्राइब कराओ, तो भाई पीछे चार बना रहे हैं सामने भाई एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी ऐसे गिरी पूछो ना पट से, ये हम लोग सिकंदराबाद है इधर, और हम लोग भाई जा रहे थे इधर चार मीनार से, बाबू भैया हम लोग उल्टे ले आए यार, रास्ता भूल गए बिल्कुल, अब रास्ता सही पूछी तब भाई सही जा रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे भाई कहीं घूमने जाएंगे और कहीं, पूरा भाई ये पास बनवा है तो रुपए तो वसूल कर लूं पूरा, सही बात है भाई। शहर में भी गौशाला है देख लो भाई, कितनी भाई गाय है, ये देखो भाई गौशाला है भाई, ये गौशाला शहर में भी गौशाला है भाई, मुझे नहीं पता था, श्री हरीश कुमार अग्रवाल जी की है भाई, बहुत अच्छा लगा कि भाई देख के गौशाला है, देख सकते हो भाई अंदर बाहर। तो भाई घर पे हम लोग आ चुके हैं, और पिछले क्वेश्चन का भाई जिसने सही आंसर दिया था वो हैं सनी फरकाबाद वाले हमारे चौबे जी, और सिमोहन तिवारी तो बोलते भाई इतना ही कॉन्फिडेंस, सरल क्वेश्चन पूछते हो, टाइट लाओ हैवी, और सरल भाई ये तो कोई क्वेश्चन है सरल और कठिन क्या, मुझे कौन सी यहाँ पे क्लास देनी है, ठीक है। घर पे आ चुका हूँ भाई, चार मीनार देख के बहुत तगड़ी चीज़ है, हैदराबाद में आओ चार मीनार देखो, ओके। और थोड़ी तुम्हें मेरी फेस भाई थोड़ा वैसा लगेगा क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन है, हल्का सा फीवर था है, और बाल वगैरह तुम्हें ऐसे ही लगेंगे उस ब्लॉग में, मतलब सिल्की शैम्पू वैम्पू वगैरह के लिए बाल वाल और तबीयत फेस में भाई वो निखार नहीं होगा। तो भाई चार मीनार गया तो यार बस मैंने तुम लोगों के लिए बना दिया ब्लॉग, गया बाबू भैया यार ज़बरदस्ती ले गए, पता नहीं मूड भाई अचानक कहाँ कैसे बन गया, ब्लॉग में सुननी तो होंगी पूरी बातें, तो भाई हम चले गए और हल्का सा फीवर था हल्का सा, और हालत थोड़ी सही नहीं थी, तबीयत डाउन थी, तो भाई यही चले, और तबीयत बेकार हो गई थी, फिर जब आए और बाल वगैरह भाई शैम्पू कर रहे थे इसलिए नहीं था, तो इसीलिए यार ब्लॉग बना दिया है, देख लो कैसा बना बताओ कमेंट करके, और भाई ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना यार, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर देना, तो भाई इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।